वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन होम कुकिंग और मैं हूँ प्रतीक्षा, लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और नई रेसिपी। ढाबा या रेस्टोरेंट जाके हम अपने खाने के साथ ज़रूर ऑर्डर करते हैं लच्छा अनियन सैलेड, मगर जब हम इसको घर पे बनाते हैं तो बिल्कुल भी वो स्वाद नहीं आ पाता। तो चलिए आज मैं कुछ टिप्स आपको दूंगी जिससे आपका ये सैलेड बनेगा बहुत ही क्रंची, टेस्टी और लंबे समय तक फ्रेश। तो चलिए बनाते हैं इस सैलेड को। अब यहाँ पे लिया है मैंने दो बड़े प्याज जिन्हें मैंने राउंड शेप में थोड़ा मोटा कट कर लिया है। ध्यान रहे हमें थोड़ा मोटा ही कट करना है, पतला बिल्कुल भी नहीं काटना है, वरना थोड़ी देर में आपका जो प्याज है वो लिम्प हो जाएगा और वो क्रंची और फ्रेश बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और आपको क्या करना है, अपने जो अंगूठे के थोड़ा सा पुश करना है बीच से और आपको इसके लच्छे निकालने हैं। ये देखिए ये मेरे तीनों चारों लच्छे बन गए हैं और ये इतना मुझे मोटा चाहिए। अब इसी तरीके से मैं अपने सारे अनियन के लच्छे प्रिपेयर कर लेती हूँ। और यहाँ पे तैयार हो गए हमारे सारे लच्छे और इस पार्ट को हम यूज़ नहीं करेंगे, ये हम तड़के या सब्जी बनाने के यूज़ में कर लेंगे। अब हम लेंगे एक बोल और उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे ये सारे अपने लच्छे। आपने नोटिस करा होगा हम जब भी कभी रेस्टोरेंट या ढाबे में जाते हैं और ये वाला सैलेड ऑर्डर करते हैं तो उनका जो सैलेड होता है वो काफ़ी क्रंची होता है। तो आज मैं आपके सामने शेयर करूंगी एक टिप जिससे आपका भी सैलेड काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश और क्रंची बना रहेगा। जी हाँ, अब इस टाइम पे हमें ऐड करना है इसमें एकदम फ्रिज का चिल्ड पानी और उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें थोड़ी से आइस क्यूब्स और इसको हम 10 से 15 मिनट तक इसी तरीके से डिप करने छोड़ देंगे। इससे आपका जो सैलेड है बड़े लंबे टाइम तक फ्रेश और क्रंची बना रहेगा। अब बनाते हैं इसका मसाला। यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च जो कि देखने में इसका रंग सुंदर होता है और इसका स्वाद थोड़ा कम तीखा होता है, और 1 चम्मच के तकरीबन मैंने लिया है ब्लैक सॉल्ट, काला नमक और 1 छोटा चम्मच मैंने लिया है इसमें नमक। और 1/2 चम्मच मैंने इसमें लिया है गरम मसाला। और इसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच के तकरीबन चाट मसाला। ये मसाला आप बना के रख भी सकते हैं। 1/2 चम्मच मैंने इसमें डाली है कुटी हुई काली मिर्च। और 1/2 चम्मच मैंने इसमें डाली है कुटा हुआ धनिया, सूखा धनिया। इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से हमारा जो ये मसाला है ये तैयार है। अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं हमारे प्याज के लच्छों को ठंडे पानी में भीगे हुए। अब इसको हम छान लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है एक स्ट्रेनर और इसका सारा पानी मैं अलग कर लूँगी। ध्यान रहे हमें अच्छी तरीके से सारा पानी इसका निकाल देना है। अब मैं लूँगी एक बड़ा मिक्सिंग बोल और उसमें डाल दूँगी सारे अपने कटे हुए अनियन रिंग्स जो हमने लच्छे करे हुए हैं प्याज के, वो सारे इसमें मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और अब इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा इसको तीखा करने के लिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है खाना तो आप इसमें एक हरी मिर्च डाल सकते हैं। और इसके बाद अब मैं डालूंगी इसमें 2 चम्मच के तकरीबन हमने जो मसाला तैयार करा हुआ है उस मसाला आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अगर आपको थोड़ा तीखा और तेज मसालेदार पसंद है तो आप मसाला ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसके बाद मैं डालूंगी इसमें 1/2 नींबू का रस और इसके बाद हम इसको कर लेते हैं अच्छी तरीके से मिक्स। मिक्स करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें बहुत प्रेशर से मिक्स नहीं करना है, वरना ये हमारे जो लच्छे हैं ये टूट भी सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ इनको मिक्स करने के लिए। बट हाँ, ध्यान रहे अगर आपके हाथों में कहीं कट वगैरह पड़ा हो तो आप स्पून से ही इसको मिक्स करें, वरना बहुत आपके हाथों में जलन हो जाएगी। मगर अगर आप इसको हाथों से मिक्स करेंगे तो जो हमारे मसाले की कोटिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से हमारे लच्छों में आ जाएगी। लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा कटा हुआ धनिया, थोड़ा फ्रेशनेस लाने के लिए अपने सैलेड में। और इसको भी हम अब मिक्स कर लेते हैं हल्के हाथों से। ये देखिए, ये सैलेड जितना देखने में टेम्पटिंग है उतना ही खाने में बहुत ही टेस्टी है। ये आप खा सकते हैं बिरयानी के साथ, इवन आप इसको खा सकते हैं बारबेक्यूज़ के साथ, पनीर टिक्का के साथ, इवन आप इसको सर्व कर सकते हैं पंजाबी डिश के साथ। आप कुलचा हो गया, पंजाबी डिश हो गई, उनके साथ आप सर्व करके देखिए, खा के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये बहुत ही फटाफट बनने वाला सैलेड है। बस जो मैंने आपको टिप बताई है, ट्रिक बताई है इसको सैलेड को फ्रेश कर रखने के लिए लंबे समय तक, उस तरीके से आप एक बार ही बना के देखिए, आपका जो सैलेड है लिम्प नहीं रहेगा, क्रंची रहेगा काफ़ी लंबे समय तक। और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए कोरिएंडर, कटा हुआ हरा धनिया। और ये बिल्कुल हमारा लच्छा सैलेड अब बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी।